बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा इसी तरह खुश रखे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। फ्रेंड, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार। फ्रेंड, आज की वीडियो भी इतनी ही प्यारी है, खूबसूरत। देखिएगा कितना प्यारा आपको मैट डिज़ाइनिंग दिखाई जा रही है, जैसे टेबल कवर, छोटे छोटे पैटर्न, कुशन बनाने के तरीके। ये देखिएगा, ये कुशन स्टाइल है और बहुत से पैटर्न डिज़ाइन हैं कि हम इनकी मदद से किस तरह से बड़े मैट तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे ये डिज़ाइनिंग बनाकर हम बहुत से जमा कर लें, फिर उनको कलरफुल या वन कलर में अटैच कर लें तो एक बड़ा सा मैट तैयार हो जाता है। और आप चाहें तो अटैच करना ना चाहें, इस तरह से चकोर ना बनाना चाहें कि हमें दरमियान में से ये स्टार्ट किया और इसी तरह तमाम डिज़ाइनिंग बनाते रहेंगे और ये बड़ा सा एक मैट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, बड़ा मैट बनाने के लिए भी एक फ़ायदा है कि हमें तमाम छोटे छोटे अटैच नहीं करने पड़ेंगे और दरमियान में से स्टार्ट करते जाएंगे और बड़ा सा तैयार हो जाएगा। ये कि बड़ा चीज़ बनाने के लिए हमें बहुत सी जगह पर बनाने के लिए लेकर नहीं जाना पड़ता, हमें जहाँ पर हम बना रहे हैं वो एक बड़ी सी चीज़ तैयार हो जाती है। जब छोटी सी चीज़ होती है तो हम कहीं पर भी पार्क में बैठे हैं या कहीं पर जा रहे हैं तो हम साथ भी ले जाकर छोटी, जैसे ये छोटे छोटे पीस हैं, हमने एक पीस कहीं पर बैठकर बना लिया, एक पीस कहीं पर बना लिया, इस तरह से बहुत से पीस जमा कर लेंगे और फिर इसको अटैच कर लेंगे इसी तरह जैसे आपको दिखाए गए हैं। और इस तरह से बड़ा सा बनाना हो तो ये तो पीसीस जमा कर कर बनाया गया है और ये एक साथ तैयार किया गया है, तो इनको हमें कहीं बनाने के लिए संभालने की ज़रूरत है कि कहीं ज़मीन पर मिट्टी में नीचे ना गिर जाए, मैला ना हो जाए, और इसे साफ़ सुथरी जगह पर रख कर तैयार किया जाता है। तो छोटे छोटे पीस तो हमारे हाथों में ही रहेंगे और हमें कहीं मैला होने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आती कि हमें इसकी सफाई का फिर ख्याल रखना पड़ता है कि हमें वॉश करना पड़ेगा। देखिएगा कितनी प्यारी सी ये डिज़ाइनिंग ज्वेलरी स्टाइल।